हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप आपका खाता कैसे खुलवा सकते हो, सेविंग्स अकाउंट आपको कैसे खोलना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर, जैसे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, डाक पे ऐप को कैसे यूज करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो आपके मोबाइल से, उसका ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आज इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते आप लोगों को दिखाते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट कैसे खुलवाना है आपके मोबाइल से, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप आपका खुद का खाता कैसे खोल सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से IPPB एक ऐप से उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करने से ऐसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। तो अलाउ जो भी मांगेगा उसको अलाउ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन मिलेगा, लॉग इन का नीचे एक ऑप्शन है ओपन योर अकाउंट नाउ। तो आपके अगर पहला बार अकाउंट आप खोल रहे हो तो आपको ओपन योर अकाउंट नाउ का नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका मोबाइल नंबर देना होगा, जो मोबाइल नंबर से आप ये बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तब भी आप ये अकाउंट खोल सकते हो। तो पहले आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे जो भी नंबर दिए उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। OTP देने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले बटन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने आधार का ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा, यहाँ पर आधार नंबर का पेज है, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उस आधार नंबर को यहाँ पर दूसरे बार री एंटर आपको करना है, दो बार आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपके पास अगर आधार का वर्चुअल आईडी है, आपको दो नंबर बॉक्स में आपको यहाँ पर टिक करना होगा और यहाँ पर वर्चुअल आईडी देना होगा। तो मेरे पास आधार नंबर है इसलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इसके लिए टिक देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो सबमिट वाले बटन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन में क्लिक करना होगा। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिस पेज में आपको यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यहाँ पर पांचों स्टेप है, पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इसको फिलअप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते ही आपका पिक्चर आ जाएगा जो आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है, आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका आधार नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कुछ भी आपके आधार कार्ड में है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर मदर का नेम, आपका आप अगर मैरिड हो या आपका हस्बैंड का नेम या आपके वाइफ के नेम नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका मदर का नेम देना होगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फादर का नेम, यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी और आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर पहला जो ऑप्शन यहाँ पर हो गया है, इसके लिए यहाँ पर टिक आ गया है, ग्रीन टिक। उसके बाद मुझे दो नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आधार कार्ड में जो एड्रेस है एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये भी सबमिट मेरा यहाँ पर हो गया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आता है नोमिनी डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आपके नोमिनी देने के लिए। तो आप अगर नोमिनी डिटेल्स देना चाहते हो तो इसके लिए आपको येस करना होगा। यहाँ पर नोमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ आपको क्या रिलेशन ये देना होगा। तो मैं नोमिनी बाद में दे दूंगा, इसके लिए इसको नो कर दिया, ये भी यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी देना होगा, उसके बाद आप मैरिड हो या सिंगल हो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो वो यहाँ पर देना होगा, और आपके साल भर में कितना इनकम होता है यहाँ पर आपको एक ग्रॉस इनकम आपको देना होगा। और यहाँ पर आपको एडुकेशन लेवल भी आपको यहाँ पर देना होगा। आप जब भी यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा, आप मैट्रिकुलेशन हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो, या मैट्रिकुलेशन से 10th क्लास से नीचे हो तो आपको बिलो मैट्रिक यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आर यू पॉलिटिकल एक्सपर्ट पर्सन, इसको आपको नो करना है, आप पॉलिटिकल पर्सन हो या नहीं हो इसको येस नो करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करना होगा, तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर ग्रीन टिक
आ गया। और लास्ट एक ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड एंड अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए ऑनलाइन में या पोस्टल में, आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, मुझे ऑनलाइन में स्टेटमेंट चाहिए। अगर पोस्टल में चाहिए तो वही भी ले सकते हो। यहाँ पर नीचे आना होगा, नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप अगर सब्सिडी चाहते हो, सब्सिडी अगर चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अगर आप आपका सब्सिडी नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पर नो वाले जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कोई भी सब्सिडी। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको टिक देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेव वाले बटन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये सब कुछ आप फिल कर लीजिए, तो देख सकते हो आप सभी बॉक्स में यहाँ पर टिक आ गया, इसका मतलब मेरा जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये फिल यहाँ पर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग में आपको यहाँ पर तीनों जगह पे आपको टिक देना है और आपका पूरा फॉर्म आपको एक बार यहाँ पर से चेक कर लेना है। उसके बाद सेव में क्लिक करना होगा तो आपके मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आधार यहाँ पर ओटीपी देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। साइन बटन में क्लिक करते आपका अकाउंट जो है ओपनिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ पर कस्टमर आईडी दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है। और गो टू होम में क्लिक करके आपको मेन पेज में आना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना होगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट नंबर, वही कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर से आप अकाउंट खोले उस मोबाइल नंबर दे के आपको रजिस्टर में क्लिक करना होगा। तो आपको एम पिन यहाँ पर सेट करना होगा। एम पिन सेट करने के बाद आप आपका अकाउंट या मोबाइल से ही आप चेक कर सकते हो सब कुछ, पूरा डिटेल्स या पैसा ट्रांसफर, आपका बैलेंस, आपका स्टेटमेंट, सब कुछ आप मोबाइल से ही यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑनलाइन अकाउंट है आपको ऐसे ही खोलना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।